So guys, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से हमारे लो बजट में भी हमारी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या परचेस करना चाहिए इस वीडियो में यह भी देखेंगे, और किस कंपनी का परचेस करना चाहिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बाद में भी हेल्प मिले और जो आप इक्विपमेंट परचेस कर रहे हैं जो कि आपको बाद में भी रिलीवेंट लगे। तो हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे आपको किस कंपनी के इक्विपमेंट परचेस करना चाहिए। इसके अलावा आपको जैसे कि आपने परचेस तो कर लिए हैं, बट आपको उस पर क्या क्या चीज़ सीखना है, आपको कैसे आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है अपने डीजिंग के करियर को, हम इस वीडियो में यहाँ भी देखने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा कि मैं अपने स्टूडेंट को क्या क्या सिखाता हूँ, जिससे आपको बहुत हद तक एक डायरेक्शन मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे से अपने डीजिंग के करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल जाएगी। तो यदि आप डीजिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं किन किन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है जब हमें डीजिंग स्टार्ट करनी होती है। तो जो लो बजट में भी आ सकता है बिल्कुल बेसिक सेटअप, हम उस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक कोई भी कंट्रोलर होना चाहिए, कंट्रोलर आप जो भी प्रेफर, मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी करनी है। इसके बाद आपके पास एक इंडस्ट्री लेवल बेस्ड सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। इसके अलावा आपके कोई भी एक हेडफोन होना चाहिए जिसमें आप सॉन्ग को सुन सकें। इसके बाद आपको स्पीकर भी परचेस करना है, स्पीकर आपको ब्लूटूथ वाला नहीं करना है क्योंकि उसमें आपको लेटेंसी देखने को मिलेगी, जब आप मिक्सिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपके पास बोल सकते हैं जिसमें आरसी केबल का इंपोर्ट हो, उसको परचेस करना है, ठीक है। तो यदि हम बेसिक सेटअप की बात करें तो ये चार थिंग मुझे लगता है इससे बहुत अच्छे से डीजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट बात आती है कौन सी कंपनी की हमें परचेस करना चाहिए जो कि बाद में भी रिलीवेंट रहे और अफोर्डेबल भी रहे। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले कभी भी आप कंट्रोल परचेस करें तो यदि मुझे लगता है आपको पायोनियर के ही परचेस करना चाहिए, फिर वाली कोई भी कंट्रोलर हो, क्योंकि आपको हर क्लब में हर जगह पर आपको पायोनियर के कंट्रोलर, पायोनियर के सीडीजे, पायोनियर के मिक्सर वही देखने को मिलते हैं। और यदि आप मुझसे कोई कंट्रोलर सजेस्ट करने के लिए बोले तो मेरी क्या ऑप्शन रहेगी, तो मैं आपको डीडीजे फ्लेक्स 4 जो कि अभी लेटेस्ट है, इसके अलावा बात करें हम डीडीजे 400। अब मैं ये दोनों को क्यों प्रेफर करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यह अफोर्डेबल भी है और साथ ही में जो इनका लेआउट है आप बोल सकते हैं जो स्टैंडर्ड पायोनियर के जो सीडीजे है, जो मिक्सर है, उससे बहुत हद तक सिमिलर है। तो जब आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली आप अफोर्डेबल भी कर लेंगे, इसके अलावा आपको बाद में भी रिलीवेंट रहेंगे, तो यह बेस्ट ऑप्शन है। आप इनमें से कोई भी कंट्रोलर परचेस कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो जैसे आपको पता होगा जो कंट्रोलर है इसमें ही आपको फ्री सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। आप डीडीजे फ्लेक्स 4 के साथ आप सेराटो को भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ रिकॉर्ड बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। और वही बात करें हम डीडीजे 400 की, तो आपको सेराटो सॉफ्टवेयर की जगह आपको सपोर्ट देखने को मिलता है वर्चुअल डीजे का, और इसके अलावा आपको रिकॉर्ड बॉक्स का सपोर्ट देखने को तो मिलता ही है। बट मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, जो रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर है उसमें आपको बहुत हाई लेवल पर, बहुत एडवांस लेवल पर सपोर्ट देने को मिलता है पायोनियर कंट्रोलर में, क्योंकि वह सेम ही कंपनी से आते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और जरूर कहूंगा, जैसे कि आपको स्केचिंग करना है या आपको इस रिलेटेड कुछ काम करना है तो आप सेराटो को यूज कर सकते हैं। बट यदि आप स्केचिंग नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है आप रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वह इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको पायोनियर का एडवांस लेवल पर कंट्रोलर पर जो सपोर्ट है वह आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कि आप पेनड्राइव बना सकते हैं, पूरा मेटाडाटा आप पेनड्राइव यूएसबी में कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा यह मेरी प्रेफरेंस है, आप अपने हिसाब से और भी सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, बट मेरे लिए मुझे लगता है रिकॉर्ड बॉक्स बेस्ट है। इसके अलावा बात करते हैं हमारे स्पीकर के बारे में, स्पीकर आप कोई भी परचेस कर सकते हैं। बेसिकली उसमें जो आरसी इनपुट है वहाँ होना मेन है, क्योंकि उससे आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें हेडफोन की, तो न्यूमार के जो हेडफोन आते थे बिल्कुल चीप आते थे, पहले 700 रुपये के आते थे, अब कोई 1-1.5 हज़ार रुपये के आते हैं, तो देख लीजिएगा। यदि बिल्कुल आप बिगनर हैं तो यहाँ भी आप परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है, बहुत लाइट वेट है, आप इससे बहुत अच्छे से डीजिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने सारी चीज़ें परचेस कर लिए, बात आती है कनेक्शन की, कनेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ। तो जैसे मेरे पास यह कंट्रोलर है, ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह हमारे पास प्रिंटर केबल है, आपने प्रिंटर केबल यहाँ पर लगाई, दूसरी तरह आपने लगा दी आपके लैपटॉप में, ठीक है, जैसे आप डीजिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरी ऑक्स केबल है, इसे आप अपने स्पीकर में लगा देंगे, ठीक है। तो बात आती है हेडफोन की, तो हेडफोन का जैक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ आप लगा देंगे हेडफोन को और उसके बाद आपको डायरेक्ट प्लेन पोस्ट करना है, सब आपके कंट्रोलर में सब कुछ हो जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, यदि आपको डिटेल
डिटेल में जानना तो मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो इस तरह से आप करेक्शन कर सकते हैं। बट बात आती है सीखना क्या क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरह से सीखना है, हम अभी वीडियो में यह देखते हैं। सो गाइस, तो आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, और इसके अलावा आपको यह देखना है कि आप किस तरह से किस चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो मेन मेन थिंग है, जैसे कि सॉफ्टवेयर वर्क, इसके अलावा टेक्निकल वर्क, जैसे कि जो कंट्रोलर्स रिलेटेड है, ट्रांजिशंस रिलेटेड है, इसके अलावा सॉन्ग को डाउनलोड का प्रोसेस, किस तरह से हमें सारी चीज़ देखनी, इसके अलावा हमारी ब्रांडिंग्स रिलेटेड भी। तो ये चार चीज़ को बांट लीजिए, ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग से टाइमिंग निकालनी है, जैसे कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी, मैं आपको यह बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये जो मोड्स हैं ये किस रिलेटेड काम आते हैं, किस टाइम पर हमें कौन से मोड का यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर हम चार डे या दो डे का हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपके पास इफेक्ट सेक्शन, सैम्पलर सेक्शन, यह सारी चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जाना है, पूरी सेटिंग के बारे में पता करना है कि किस सेटिंग को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, क्या काम आती है, यह भी हमें सारी चीज़ पता करनी है। जो हमारे डे रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पर यह सारे ऑप्शन किस रिलेटेड हैं, डेक को आप किस तरह से कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें आपको समझना है। इसके बाद आपके पास कौन कौन से विंडो अवेलेबल है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमिक्स, यहाँ पर रिलेटेड ट्रैक्स की, इसके अलावा सब ब्राउजर, ये सारी चीज़ें ऑप्शन आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको सारी चीज़ें पता करने के किस रिलेटेड हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी देखना है कि प्ले लिस्ट हम किस तरह से बना सकते हैं, प्ले लिस्ट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, होट क्यू लूप किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ सॉफ्टवेयर में जाती है, तो आपको एक एक करके किस तरह से यह सारी चीज़ें यूज़ होती है, किस तरह से हम कर सकते हैं इसका यूज़, हमको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपको अलग से टाइम निकाल के आपको कंट्रोल रिलेटेड वर्क पूरा पता करना होगा। जैसे कि हम मिक्सिंग तो हमारा सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, बट जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर बटन्स हैं, ये हमारे किस काम आते हैं, इसका किस तरह से अपने डीजिंग में यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से मिक्सिंग कर सकते हैं, इसके बारे में पता करना है। जैसे हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो हमें किस टाइम पर किस टाइप की मिक्सिंग करनी है, क्योंकि हर सॉन्ग के स्ट्रक्चर अलग होते हैं, तो वहाँ पर हमें किस तरह की मिक्सिंग करनी है, किस तरह से ट्रांजिशन लगाना है, किस टाइम पर इफेक्ट का यूज़ करना है, बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। तो आपको हर चीज़ को अलग अलग टाइप से सीखना पड़ेगा, और उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखा के सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तीसरी थिंग, हमारे पास सॉन्ग रिलेटेड वर्क है। अब क्या होता है, जैसे कि डीजे तो कितने भी सॉन्ग सुन ले उसके लिए कम ही है। अब क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई भी वेन्यू रहता तो हर जगह पर हर टाइप के सॉन्ग नहीं चलते हैं। आपको पता करना पड़ता है कि यहाँ पर इस टाइप के सॉन्ग चलेंगे, तो एक डीजे का क्या माइंडसेट होना चाहिए सॉन्ग को डाउनलोड करते हुए, किस वेबसाइट से उसको सॉन्ग डाउनलोड करना चाहिए जिससे हाई क्वालिटी सॉन्ग मिले। तो आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि डीजे जब भी सॉन्ग डाउनलोड करता है तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, कभी उस डीजे सॉन्ग प्ले कर रहा होता है तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि डीजे कुछ भी उठा के प्ले कर देगा, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो वहाँ भी आपको धीरे धीरे आएगी, बट आपको कंटिन्यूसली उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो यह सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी। जब भी प्लेलिस्ट बनाता है डीजे तो कुछ सोच समझ के बनाता, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि इस टाइप के सॉन्ग डाले उसने, तो यह सारी चीज़ें भी आपको धीरे धीरे पता लगेगी। तो यह सारी चीज़ें भी आपको सीखनी है, तो इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो इसके लिए आप अलग से टाइम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारी ब्रांडिंग से रिलेटेड। अब जैसे कि आपने सारी चीज़ें सीख ली है, बट यदि आपकी ब्रांडिंग नहीं तो आपको गिग्स ही नहीं मिलेगी, आप कहीं प्ले ही करने नहीं जा पाओगे यदि आपके कोई पहचान नहीं होगी। तो आपको किस तरह से क्लाइंट से बात करनी है, क्लाइंट क्या चाहता है आपसे, बेसिकली आपको यह भी पता करना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रोफाइल देते तो किस तरह से आपको देना चाहिए, आपको उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है जो कि क्लाइंट देखना चाहता है, क्या चीज़ें लिखनी चाहिए जिससे क्लाइंट को बोर भी ना हो और उसको पता भी लग जाए आपके बारे में कि आप क्या कहाँ प्ले किया है, आपकी लाइफ में आपने क्या क्या सारी चीज़ें की है। तो यह सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको गिग चाहिए तो क्लाइंट से किस तरह से बात करनी है, किस तरह प्रोफाइल भेजनी है, यह भी सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको सारी चीज़ें सीखने के लिए टाइम चाहिए होगा, तो इसके लिए अलग से टाइम निकालिए। तो बेसिकली ये चार एस्पेक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब बताते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट को किस तरह से टीच करता, तो मैं साफ साफ पूछ लेता हूँ कि वह कितना टाइम दे सकते हैं, फिर हम साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने क्लास में उनको सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क, टेक्निकल रिलेटेड वर्क पूरा मैंने आपको बताया उनको, ठीक है। तो क्या होगा, मैं उनको घर पर काम करने के लिए दूंगा सॉन्ग रिलेटेड वर्क के बारे में, तो उनका सॉन्ग रिलेटेड वर्क का भी काम हो चुका है, वह सॉन्ग सुने भी उनने और साथ ही साथ उनने सॉफ्टवेयर के बारे में जाना भी, और साथ ही साथ मैं उन्हें यह भी कह देता हूँ कि संडे टू संडे मुझे एक मिक्स चाहिए, तो वह सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क के साथ साथ उनका जो हमारा टेक्निकल रिलेटेड वर्क है, जो हमारी मिक्सिंग प्रोसेस है, वह भी चलती रहती है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें हम करते रहते हैं और साइमल्टेनियसली करते रहते हैं, जैसे उनको भी बोर नहीं होते, वो काम भी वह उनका हो जाता है और सीखते भी जाते हैं जल्दी जल्दी, और लास्ट में हमने हमारा जो ब्रांडिंग रिलेटेड वर्क है वह सारी चीज़ें कर ली। तो एक प्रकार से हम सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आप भी कर सकते हैं। मुझे लगता है डीजे यदि आपको स्टार्ट करनी है तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है यूट्यूब पर, आप शुरुआत में सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई सर चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, तो
तो आप उस तरह से आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप कीजिए, मुझे लगता है मैंने आपको बहुत सिंपल वर्जन में मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से आपको आपकी डीजिंग स्टार्ट करनी है। इसके अलावा भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपका फ्रेंड है उनको डीजिंग सीखना है तो यह वीडियो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी हेल्प मिलेगी और जो अपने चैनल की ग्रोथ है वह भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा ऐसी वीडियो देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पूछते रहे। थैंक यू।